सो हाय एवरीवन, पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट 21.3 आया है, इसमें आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोगों के लिए जो अपडेट इसमें दिया गया है वो तीन महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है, THR और SCM और स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड ये अपडेट है। तो आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों को पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये न्यू अपडेट आया है इसको अपडेट जरूर कर लेना है। देखिए, अभी आप लोग जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप लोग जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपडेट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपली इसी पे क्लिक करके और प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग जाके यहाँ से जो है पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अपडेट। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप को आसानी से ओपन करके काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप में 21.3 में क्या बदलाव किए गए हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ खास अपडेट है नहीं, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 19 अगस्त को ये अपडेट आया हुआ है, और इस अपडेट को जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही एरो वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो पहला अपडेट दिया गया है वो AG कैटेगरी इन स्टॉक रजिस्टर इशू फिक्स, यानी कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो एक स्टॉक रजिस्टर की फाइल दी गई है उसमें AG कैटेगरी, यानी कि इसको समझ सकते हैं कि अगस्त की जो कैटेगरी है उसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उसको ही फिक्स किया गया है। ठीक है, दूसरा जो अपडेट दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे THR और SCM ओल्ड वैल्यू रिकॉर्डिंग इशू फिक्स, यानी कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR और SCM की जो प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ आंगनबाड़ी सेविका बहनों को हो सकता है कि THR और SCM में प्रॉब्लम हो, सभी को यहाँ पे इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ कुछ आंगनबाड़ी बहनों को जो है प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़ों में, तो उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है, यानी उसको ठीक कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जब आप लोग सबमिट करने जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है एरर के रूप में देखने को मिल जाती होगी, या कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती होगी कि आप लोग THR और SCM को जो वहाँ पे अपडेट करते होंगे या सबमिट करते होंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो उसी को यहाँ पे जो है फिक्स किया गया है। और स्टॉक रजिस्टर में भी आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको ही फिक्स किया गया है। और जो तीसरा अपडेट दिया गया है वो ऐप ऑप्टिमाइजेशन के रूप में दिया गया है, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप को अनुकूल बनाने के लिए, आसानी से काम करने के लिए हर बार आप लोगों को इस प्रकार से जो अपडेट है वो दिए जाते हैं ताकि पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग आसानी से काम कर सकें। देखिए, ये अपडेट उतना खास नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस अपडेट को करना ज़रूरी है। तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो 21.3 का अपडेट दिया गया है उसको आप लोग अपडेट जरूर कर लें। ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इसमें उतना खास बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों के द्वारा काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में डेली ट्रैकिंग में जाके फ़ोटो कैप्चर करते हैं और सबमिट करते हैं तो वहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाता है, GPS रिक्वायर्ड की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इसके रिकॉर्डिंग जो वीडियो बनाई हुई है उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी कमेंट हमें देखने को मिल रही है कि पोषण ट्रैकर ऐप में ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, तो उसके बारे में कोई अपडेट आनी चाहिए, क्योंकि सारे सेटिंग और सारी चीज़ें प्रक्रिया करने के बाद भी कुछ आंगनबाड़ी सेविका बहनों को जो है उसमें वहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इस चीज़ के बारे में भी अपडेट आनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या आप लोगों को भी पोषण ट्रैकर ऐप में फ़ोटो अपलोड करने में या फिर GPS रिक्वायर्ड की जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अपडेट हैं वो आनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो काम है वो आसान हो सके। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी बहनों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।